ऑफ कोर्स, अगर तुम वहाँ घूमने ही जा रहे हो तो हम वहाँ हरवरी नहीं कर सकते, वरना फिर वो बात नहीं रहे। सेटिस्फेक्शन को साथ रखते हुए और जल्दीबाजी को दूर करते हुए हम अपनी ट्रिप को मिनिमम समय में पूरी कर सकते हैं। सिंपल सा सिर्फ एक ही तरीका है, जो मैं एक प्रॉपर ट्रैवलर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हम आप जैसे लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल लेते हुए पहले प्रॉब्लम को समझाता हूँ, फिर सॉल्यूशन के तौर पर उस तरीके को एक्सप्लेन करूंगा। दूर कहीं एक जंगल में अमन नाम का एक व्यक्ति रहता था। नहीं नहीं, ये वाला नहीं, मेरे घर के तरफ का संदीप। एक दिन उसे चंपारण बिहार से लुधियाना पंजाब आना था अपने बिजनेस के काम से। उसे अपने कपड़े की दुकान के लिए कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने थे, तो वो ट्रेन की टिकट कटाने IRCTC की ऐप पर आता है और उसे वहाँ कोई ट्रेन नहीं मिलती, क्योंकि कोई डायरेक्ट ट्रेन ही नहीं है। अब वो अपने पास के कपड़े वाले शॉप पर जाता है, उन्हें अपनी बात बताता है कि मुझे लुधियाना जाना है, आप पहले भी गए होंगे तो मुझे भी बता दीजिए। तो वो संदीप को बता तो देते हैं, पर ये भी जान जाते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर लुधियाना जा रहा है, अच्छे और सस्ते कपड़े ढूंढ कर ले आएगा और फिर मेरी ही जितनी अच्छी और सस्ती कपड़े बेचने लग जाएगा, जिसकी वजह से मेरी सेल्स कम हो जाएगी। तो उन्होंने अपने सारे लुधियाना के डिस्ट्रीब्यूटर्स को मना कर दिया कि इसे कपड़े ना देने को सस्ते दाम पर, वरना मैं आपसे नहीं लूंगा। अब आते हैं संदीप की तरफ, क्योंकि अब इसे पहुंचने के बारे में सब पता चल गया था, तो अब संदीप उस अकॉर्डिंग टिकट्स अरेंज कर लेता है और साथ में, क्योंकि वो उतनी दूर जा ही रहा था, तो धर्मशाला जो कि वहाँ से पास में ही है, वहाँ जाने का अपने प्लान में ऐड कर लिया। अब लुधियाना पहुँचने के बाद वो खोलता है गूगल मैप्स और कुछ अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्च करके जो सबसे पास वाले, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले के पास एक एक करके पहुँच जाता है, उनसे मिलता है। पर वही हुआ, संदीप जैसे ही उन्हें अपना नाम बताता वो लोग समझ जाते और फिर वह उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं हुआ। अब तक 2 दिन बीत चुके थे और संदीप के पास 2 दिन और बचे थे, उसके बाद वापस आने की ट्रेन थी। तो वो वहाँ पर सोच लेता है कि वो अगली बार गुजरात के सूरत जाएगा, जहाँ पर भी अच्छे कपड़ों के मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं। इसके बाद वो अपने प्लान में कंटिन्यू रहते हुए धर्मशाला की जर्नी शुरू करता है। उस वक्त वो जिस जगह पर था, लुधियाना के क्लॉक टावर के पास, वहाँ से डायरेक्ट बस है लुधियाना रेलवे स्टेशन की, पर उसे पता नहीं था और उसने ऑटो वाले से पूछा, और जहाँ वो 10 रुपए में स्टेशन पहुँच सकता था 200 रुपए लग गए। कुछ समय के बाद वो ट्रेन से पठानकोट पहुँचता है। अब अगेन उसके साथ सेम चीज होती है, पठानकोट उतरने के बाद टैक्सी वाले उसे घेर लेते हैं, ये कहते हुए कि आइए हम आपको सबसे सस्ती दाम में धर्मशाला के मैक्लॉडगंज तक छोड़ देंगे, मस्त एसी में, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। उसे 1500 रुपए लगे 90 किलोमीटर मैक्लॉडगंज पहुंचने के। और तो और, धर्मशाला से मैक्लॉडगंज 10 किलोमीटर की रोड है जिसमें बहुत जाम लगी रहती है, और फैक्ट की बात तो ये है कि उस जाम में संदीप के जैसे ही सारे लोग हैं, जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं होता वहाँ के बारे में, और वे भी टैक्सी वालों के चक्कर में फंसे हुए थे। क्लॉइडगंज पहुँचने में उसे रात हो जाती है। अब उसे नेक्स्ट डे किसी तरह घूमकर वापस भी लौटना था, जिसकी वजह से उसकी मैक्लॉडगंज ट्रिप की सबसे मेन चीज, जो कि वहाँ की ट्रैकिंग है, वो छूट जाती है। वो बस आसपास के लोकल्स ही घूम पाता है। फिर दोपहर तक पठानकोट, फिर लुधियाना, फिर वहाँ से टिकट्स के अनुसार घर। तो अब मैं आपको इस प्रॉब्लम और इस अनसेटिस्फाइड ट्रिप की सॉल्यूशन के तौर पर उस तरीके को बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले तो अगर तुम्हारे पास घर से निकलने से पहले काफ़ी समय है, तो तुम खुद से रिसर्च करो day 1 day 2 के फॉर्म में, अपने समय, अपने ज़रूरत और अपने बजट के अनुसार समय लगेगा। हो सकता है तुम्हारी ट्रिप प्लान रियलिस्टिक ना बने, क्योंकि अक्सर नए जगह से हम ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उस जगह के कई ऐसे कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, फूड्स के बारे में इंटरनेट पे नहीं पता चल पाता है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एक सेटिस्फाइड ट्रिप को करने का ये है कि तुम्हें इंटरनेट पर बहुत सारे ट्रिप प्लानिंग वेबसाइट मिल जाएंगी, 100 से 150 रुपए लगेंगे, तुम्हारी पूरी ट्रिप की प्लानिंग करके तुम्हें दे देंगे। हर एक स्टेप से रिलेटेड, कहाँ तुम्हें कौन से ट्रांसपोर्टेशन लेने हैं, कहाँ तुम्हारे बजट के अनुसार तुम्हें रहने के लिए मिल जाएगा, कहाँ का खाना तुम्हें बेस्ट और अच्छे दाम पर मिल जाएगा, कहाँ तुम कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, सब कुछ, वो भी तुम्हारे ज़रूरत, समय और बजट के अनुसार। और यही चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है।
मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कई सारे ट्रिप प्लानर वेबसाइट की लिंक दे दूंगा और साथ साथ अपनी भी। हम भी यही काम करते हैं, पर हम ट्रिप प्लानिंग करने के कोई पैसे नहीं लेते, और अगर तुम हमारे थ्रू बुकिंग कराते हो तो हम तुम्हें लाइव असिस्टेंस ऑन द कॉल थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी में तुम्हें तुम्हारे साथ रहते हैं। किसी भी तरह का तुम्हें प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरह का तुम्हें ट्रिप प्लान में कोई चेंज करना हो, तो हम वो सब तुमको कॉल के थ्रू सारा अरेंज कर देते हैं ऑन द स्पॉट। और सिर्फ यही चीज़ करने के, पता है, 1000 से 1500 रुपये लोग चार्ज करते हैं, और वो लोग वहाँ के होते भी नहीं है जहाँ आप विजिट करने जा रहे हो। सोचो क्या ही आपको सपोर्ट मिलेगी, छोड़ो वो बात की बात है। और हमारे केस में एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, पर प्रीमियम सर्विस मिलेगी। बस प्लानिंग करने वाले को दिखा देना कि तुम सॉलिड प्लान के सब्सक्राइबर हो। तो चलो संदीप पाली केस की सॉलिड प्लान की तरफ से मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि ट्रिप प्लानर्स क्या देते हैं, क्या सर्व करते हैं। पहले तो तुम्हें उन्हें बताना होता है कि तुम कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कितने लोग हो, और कोई अगर फिक्स डेट है तो वो बता दो। उसके बाद तुम्हारा एक मैक्सिमम बजट लिमिट पर हेड, ताकि एक्सपेंस उससे ऊपर ना जाए। शुरू करते हैं। अब क्योंकि संदीप को पता होगा कि उसे डे वन पर इस ट्रेन से यहाँ पहुँचना है और इस ट्रेन से यहाँ, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, और जिसकी वजह से उसे लुधियाना में ही डीलर्स मिल जाते। फिर लुधियाना के अंदर में कौन से ट्रांसपोर्टेशन से कैसे जाना है, तो उसके बार बार के 200-300 रुपए बच जाते। इसे समझने का दूसरा एग्जांपल ये है कि जब तुम दिल्ली जाओगे या किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो वहाँ समझ नहीं आता कि कब कहाँ कैसे चेंज करना है मेट्रो और किसी दूसरे जगह पर पहुँचने के लिए। फिर उसके आगे पठानकोट के बाद उसे टैक्सी के चक्करों में पड़ना ही नहीं था, वहाँ एसी की जरूरत ही नहीं है। उसे टैक्सी से 1500 के बजाय 100 रुपए में बस से धर्मशाला से 145 रुपए में रोपवे की टिकट मिल जाती, जो कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज और वापस आने की भी इंक्लूडेड होती। और अगर वो इस तरह से गया होता तो उसके पास 2 दिन होते, सही सेटिस्फाइड जर्नी भी होती। तो चलो कोई बात नहीं, काफी पैसे वाला दोस्त है मेरा, पर तुम लोग ऐसा मत करना, कहीं जाने से पहले ट्रिप प्लान को जरूर बनाना। बहुत तेजी से स्मार्ट होती जा रही है ये दुनिया, और जिस तरह से तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, ठीक उसी तरह से हमेशा इस भागती हुई दुनिया पर अपनी नजर बनाए रखना।